Assalamualaikum viewers, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम जनाब एक ट्रेलर देखने वाले हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी। आशिकी नाम से काफ़ी फिल्में बनी हुई हैं, जैसे दिल तेरा आशिक, आशिकी, आशिकी वन, आशिकी टू, इस तरह के और काफ़ी फिल्में बनी। लेकिन अभी जो नई टाइटल है चंडीगढ़ करे आशिकी, ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है। आयुष्मान खुराना है इसमें, और आपको पता है कि वो बेस्ट एक्टर हैं। बहुत देर से इंतजार था। और आपको पता है एक्टिंग स्किल्स, उनके जो उनके एक्टिंग के स्कूल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचते रहें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई दिखाए हैं ज़रा चंडीगढ़ करे आशिकी का ट्रेलर। 1, 2, 3 स्टार्ट। तो सर्टिफाइड फिटनेस प्रोवाइडर जसडाल खोल के देख लो, टॉप 10 जिम्स में नाम है चंडीगढ़ के। की होना इतना फेल किया, वैसे भी कुछ होता रहा नहीं। ऐसे ना बोले यार, जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद, इस साल जीत के दिखा। ओ मेरा कीटो चल रहा है, कुछ तो रैम करो। निकिता से बात की? मैं ब्याह नहीं करवाना, मैं देख लूंगा अपनी लड़की, पहले मुझे बनना है कुछ। इतना बड़ा साल बन गया, खोर की बनना है तू? फिलहाल तो जुम्बा वाली बीबी इतनी आ रही है, उस वास्ते ना स्पेस खाली करना। सॉरी जी, वो एक्चुअली ना नीचे बिजी रहती है। बताने वाला था भाई तू? क्या बताने वाला था? फ्रेंड फ्रेंड है। तुम कुछ अलग ही हो यार, मैंने ना इश्क हो गया, शादी करेगी मेरे साथ? There's something else. ये था थी, दिमाग बदल गया मेरा, वो तू धोखा दिता है मैनू। आउट, बाहर निकल जाए से। कि मेरा खाना है यार, ऐसे कैसे फिर सेक्स हुआ और पता भी ना चला? सेक्स सही था यार, नॉर्मल से भी किया। कहाँ से आपने? पैं कि कहाँ, जब पागल है तू, जहाँ से सब करते हैं वहाँ से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे दोनों। बोल जाओ मानवी, साड़ी दुनिया बिल्कुल वक्री है। दिल एक होने चाहिए, दुनिया अपने आप एक हो जाती है। ब्याह कर ले मानवी के साथ, ओए लिविन में रह ले। मेरा टब्बर मेरे पीछे पिया है, तेरे नाल ब्याह कराना, तेरे नाल ब्याह कराना, तो एक बार मना कर दे सब खत्म। पर मैंने तो मैं रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है? ये बात ना खत्म कर पा रहा है ना मैं खत्म कर पा रही हूँ। ओके जी, बहुत जबरदस्त यार, अरे भाई मजा आया चंडीगढ़ करे आशिकी। आशिकी क्या बात, और काफी ट्रेजेडी लग रही है इस फिल्म में। रोमांस भी होगा कि आयुष्मान खुराना है यार। चीज है कि वो फाइटिंग जो है वो इसमें नहीं दिखाई गई, फाइटिंग की जरूरत ही नहीं है यार, लव फिल्म लग रही है। स्टोरी बहुत होगी अंदर शायद। आयुष्मान खुराना की ज्यादातर मूवीज जो है वो लव स्टोरी कॉमेडी। मैं तो बोल ही गया हूं, फिल्म का नाम ही आशिकी है तो फिर फाइट ना। यही बात है ना। हाँ, और वहीं से करते हैं जिधर सब करते हैं यार। हाँ, मैं मेरी तो ज्यादा जगह है। क्या ये सेक्स काफी किया तो उसने कहा मेरी कोई सबसे जगह तो नहीं है। बड़ा यार डाला यार। एक चीज और है कि भाई इसमें पंजाबी और उर्दू मिक्स है। आयुष्मान की
और बाकी यार फिल्म जो है यार मुझे तो यही स्टेप उसका मजा आया, गड्ढा लगा का मजा आया था जब वो पूछ रहे थे कहाँ से किया है जिसे जो बोलती है वो आसमान ही वो गिरा दिया उसका लाल गिरा दिया अच्छे डायलॉग है। और मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्म है ये सर मतलब एज ए फिजिकल ट्रेनर आयुष्मान खुराना को इसमें उसने अपनी छत के ऊपर एक जिम टाइप बनाया हुआ है और नीचे उसकी जो वो बातें आ रही हैं और उन्होंने एक लड़की के लिए एक ट्रेनर रखी है दो लड़की ये इसी तरह की टाइप लड़की प्यार हो जाएगा उसकी कोई बैक लव स्टोरी होगी। लेकिन और जिस तरह वो सीन आया था लास्ट पे कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया मैंने सुनी हाँ इस तरह की मुझे कुछ ट्रेजी इसमें ट्रेजी लग रही है और लेकिन मजा आएगा यार सही बात है। आयुष्मान खुराना की कोई भी मूवी आती है ना मुझे इंतजार रहता है सही बात क्योंकि यार इतनी जबरदस्त डायलॉग स्टोरी और एक्टिंग यार प्रॉपर एक्टर है और ये मतलब ये नहीं कोई नेपोटिज्म है किसी का बेटा नहीं अपनी ही जो है वो एफर्ट से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए हैं और पता कि बॉलीवुड में पिछले साल एक ट्रेंड चला था नेपोटिज्म क्योंकि जिसका वो बेटा होता था फिर बाप होता था बेटा भी आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में लड़की भी आ रही है उसकी भाई आ रहा है ठीक है उसके लिए नेपोटिज्म तो नेपोटिज्म में मतलब ये आयुष्मान खुराना दूर दूर तक मेरे ख्याल से इनका कोई रिलेटिव अच्छी बात है यार मेहनत करके आना चाहिए जिस तरह अक्षय कुमार आए हैं अजय देवगन जी आए हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं सारे बड़े नाम के आए हैं। आप देखें सर कुछ फिल्मों में जो है वो नेपोटिज्म आपको नजर आ रही है जैसे सलमान खान तीनों भाई आए हुए फिल्म इंडस्ट्री में काजल की बहन जो है काजल कितनी अच्छी बड़ी एक्टर है यार उनकी बहन जो है वो रिजेक्ट हो गई इसी तरह मूवीज में आई नहीं है ये टैलेंट पे ही आते हैं यार महेश भट्ट की बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं तो ठीक है उनमें टैलेंट है तो आना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं होती जी। आपकी क्या राय है इस अच्छा इस अच्छे ट्रेलर के बारे में इस मूवी के बारे में फिल्म कब आ रही है यार फिल्म हमने देखी नहीं मुझे लगता है तो 5-7 दिनों तक फिल्म रिलीज होगी ऐसे ही होगा क्योंकि यही होता है 10-15 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हो जाता है इस ट्रेलर को आए हुए 2 दिन हो गए हैं और आज हम देखने का हमें मौका मिला बहुत अच्छा ट्रेलर था। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के